Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlogs. So guys, मैंने नोटिस किया हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से साउंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत काफ़ी हवा चल रही है. बिकॉज़ ये पूरा ओपन स्पेस है, देख सकते हो आप लोग, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो बहुत तेज़ हवा है, काफ़ी तेज़ हवा है यहाँ पर. इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हवा का भी वॉइस जो है इसमें आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इरफान भाई के साथ. ये एक और वीडियो है जिसमें इरफान भाई हमें कुछ और दो बकरों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे. अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो ये दोनों कौन सी ब्रीड है भाई? भाई एक कोटा है और एक बीटल है. एक कोटा है, वो ब्राउन एंड व्हाइट जो है वो कोटा है. हाँ, कोटा वो अंडुल में है और ये बीटल जो है वो खसी है. ओके, तो बीटल की क्या डिटेल्स होगी? माशाल्लाह काफी अच्छा है. बीटल की जो डिटेल ऐसी है कि 6 दांत पे है, 8वां दांत लगा दिया हुआ है और 37 की इसकी हाइट है. 37? हाँ, 37 की मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 37 है. और ये जो है अभी फिलहाल वेट इसका जो है 65 केजी इसका वेट है जी. और इसकी क्या डिटेल्स है? अरे बाप रे, अरे बाप, लगाया है. हाँ हाँ हाँ, 2 दांत लगाया है और ये लगभग 38-39 की वेट पे है. 38-39 उसका वेट है जी. 2 दांत उसने कर दिए जी, कर दिया हुआ है और 2 दांत के ऊपर है, मतलब 38-39 वेट है उसका. और एक्टिव बकरा माशाल्लाह. माशाल्लाह बहुत 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 एक्टिव. एक्चुअली ये बीटल भी बहुत एक्टिव है, उसको वहाँ से दौड़ा तो सीधा अंदर ही भागता है, है ना? बहुत अच्छा है, ये भी बहुत एक्टिव है. पर ये जब आपने लिए थे तभी इसने 2 दांत तो कर ही दिए होंगे ना, बीटल ने भी? हाँ, ये लिया था जो मैंने तो ये टाइम पर 4 दांत पे आया था जब आपके पास आया जी. तो आपको इसके अंदर क्या ऐसा पसंद आया, 4 दांत पे था तो भी आपने इसको खरीद लिया? बस ले लिया मैंने, बस उसका खूबसूरती, खसी में तो क्या खूबसूरती देखी जाती है, तो खूबसूरती मेरे को बहुत अच्छी लगी उसकी. माशाल्लाह जो पैच आएगा है जो मुंह के ऊपर और जो पेट पे आएगा पैच, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को. उसके गले पे मैं देख रहा हूँ गांठ है. हाँ, वो मसा आया हुआ है, वो इंशाल्लाह चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, तो अभी ये तो हमारे पास लास्ट है दोनों जी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ओके, ये माशाल्लाह दोनों भी एक्टिव बकरे हैं दोनों. और इसमें से एक कोटा है, ब्राउन एंड वाइट जो है कोटा है अंडुल में, और ये जो है ये खस्सी है, और ये जो है बीटल में है. ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है बहुत. ये देखिए दोनों के दोनों बहुत अच्छे, भागम भाग मतलब एकदम. ये तो 6 दांत पे रहने के बाद भी इतना एक्टिव है. तो इरफान भाई, इनका प्राइस क्या कोट कर रहे हैं? कोटा बकरा जो है उसका मैं प्राइस 18,000 मांग रहा हूँ. 18 जी. ओके, और बड़े वाले का? और उसका जो है बीटल का पंजाबी का मैं जो है 25,000 मांग रहा हूँ. दोनों नेगोशिएबल है? स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा. ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा? ट्रांसपोर्टेशन जो है कस्टमर का रहेगा. ठीक है, इसका 39 kg वेट है ना शायद? हाँ, 39 kg. अभी अपन ने किए थे ना इसका वेट अपन ने पहले भी किए थे. 39 kg. और इसका कितना है? इसका 65. ठीक है, तो अभी हम लोग वेट तो कराएंगे नहीं फिलहाल. तो अगर कोई आपसे बोले वेट करा के दोगे क्या, तो बोलना वेइंग मशीन है, वेट करा के दे देंगे. नहीं, कोई दिक्कत नहीं. वेट मैंने वीडियो है मेरी है वेट की, मांगता है तो मैं वीडियो भेज दूंगा. अगर कोई बोलता है कि करंट अभी कब दो, आज के ही डेट का, तो उसी टाइम पे भी करवा के दे देना दे, कोई दिक्कत नहीं है ना. ठीक है, इसका भी कर लिया क्या वेट? जी, वीडियो अभी. हाँ अच्छा, ठीक है, दोनों का सुबह को ही किया. ठीक है, माशाल्लाह दोनों बकरे अच्छे हैं. उसके कान की लेंथ देखो कोटी की, माशाल्लाह. ज्यादातर आपका मतलब इंटरेस्ट जो है कोटा में ही है क्या, ऐसा कुछ?
कोटा टॉप प्रायोरिटी है। ओके, या अंडुल होना चाहिए लेकिन। हाँ सर, अंडुल होना चाहिए। तो ये खस्सी मतलब आपने खूबसूरती के हिसाब में इसको ले लिया। ले लिया। ओके ठीक है। तो गाइस इरफान भाई जो है जोगेश्वरी में रहते हैं, ठीक है, और जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, आप लोग इनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आने का फिर ये आप लोगों को बता देंगे कि कैसे क्या करना है। इन फिलहाल 10 दिनों के अंदर ऑफिसेज की छुट्टी है वगैरह, तो ये भी अभी फ़िलहाल फ्री है। जो माहौल है, जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही आप लोग प्लान सेट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स पास हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि आप लोग बाहर ना निकले, नेसेसरी अननेसेसरी बाहर ना निकले। कल तो कर्फ्यू भी है, जनता कर्फ्यू, तो उसका भी आप लोग पालन करें, क्योंकि जो भी है वो हमारी सेफ्टी के लिए। इरफान आप लोग, आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा आप लोग अवेयरनेस भी फैलाते हैं लोगों को। जी जी। तो आप लोग आप क्या सोचते हो इस बारे में कि मतलब जो गवर्नमेंट ने जो कल कर्फ्यू का ऐलान करी, जनता कर्फ्यू, उसके बारे में आप क्या बोलते हो, सही है ये? बेहतर है कि हम एहतियात करें, क्या प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ओके, प्रिकॉशन ले, बाकी तो अल्लाह के हाथ में, हयाती और मौत देने वाली जात तो अल्लाह की है। बेशक बेशक। तो एहतियात करें बस, और जो है जो रूल जो कल लॉ एंड ऑर्डर अभी जो पास हो रहे हैं उसको फॉलो करें। मेरी भी भाई चाइनीज की दुकान है, छोटी सी, गरीब छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे को भी 10 दिन होटल बंद करने के लिए बोल दिया गया है, तो मैं भी बंद रख रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग थोड़े से पैसे के चक्कर में सोचेंगे, नहीं मैं बाहर चले जाऊँ या फिर ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किसी एक से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। हाथ बार बार धोए, फेस धोए, घर में जाके किसी भी चीज़ को टच पहले ना करें, पहले हाथ मुँह धोए, सारी चीज़ों को क्लीन करें, फिर उसके बाद घर की कोई भी दूसरी चीज़ों को टच करें, ठीक है। बाहर का खाना अवॉइड करें, मैं खुद एक होटल चलाता हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा बाहर का खाना अवॉइड करें, ठीक है। आपको ट्रस्ट अच्छा है किसी पे तो आप लोग खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खुद बोलूँगा कि फ़िलहाल तो मत खाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये 3-4 बार मैंने मैसेज पास किया है, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र जेब में रखो, मैं भी देखिए ये सैनिटाइज़र जेब में रख के घूम रहा हूँ, पता नहीं कौन सा सैनिटाइज़र है लेकिन है मेरी जेब में, मास्क मेरी जेब में है। इरफान भाई आपके पास भी है ना सैनिटाइज़र? मेरे पास भी रखा हुआ है। इरफान भाई के पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, ठीक है। तो ये खाली ज़रूर हर चीज़ काम 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 काम, हर चीज़ वीडियो, हर चीज़ बकरे नहीं, थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और हमारे पास पब्लिक है, लोग है, ताकि मैसेज आगे पास हो सके, तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसका प्राइस आपने वापस से मुझे बताएंगे, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मेरे को प्राइस बीटल का है 25,000 और कोटा का जो दो दांत का है ये इसका प्राइस है 18,000 25,000 स्लाइडली नेगोशिएबल, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसे लगे। ये आज का हमारा लास्ट वीडियो था, तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में, कुछ नए लोगों के साथ में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।